हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नारियल पानी से संबंधित जानकारी। इस तरह से यह आपके सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसके साथ ही साथ आप ब्यूटी में भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। लड़कियां चाहे तो अपने महंगे प्रोडक्ट ना यूज करके आप इस नेचुरल रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं अपनी स्किन की रंगत को सुधारने के लिए। इसके साथ ही साथ आपके चेहरे में दाग धब्बों को ठीक करने के लिए नारियल पानी में एक तरह का एमिनो एसिड पाया जाता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो आपकी स्किन हमेशा एंटी एजिंग से बची रहेगी। फाइन लाइंस, रिंकल्स जैसी समस्या आपके चेहरे में होगी ही नहीं, क्योंकि ये एक एंटी एजिंग की तरह काम करता है जो आपकी स्किन और बॉडी से एंटी एजिंग जैसी समस्याओं को कम करता है। ये चेहरे की इलास्टिसिटी को ठीक करता है। इसके साथ ही साथ जो सैगिंग स्किन हो चुकी है, चेहरे में एक ढीलापन आ चुका है, वो उसे फिक्स करने में हेल्पफुल है। अगर आप इसे हेल्थ बेनिफिट के रूप में लेते हैं तो गर्मियों के दिन में इसे पीना काफी लाभदायक होता है। इसके साथ ही साथ आप इसके रसीले पानी का फायदा भी उठा सकते हैं। गर्मी के दिन के लिए यह बेस्ट है। अगर आप चिलचिलाती धूप में कहीं जाना पसंद करते हैं, आप कहीं से आते हैं, तो आप इस नारियल पानी को पीते ही फ्रेश हो जाएंगे, तरोताजा हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा देती है। बहुत सारे बीमारियों में ये आपके लिए लाभदायक है। इसके साथ ही साथ स्किन कंडीशन को ठीक करने में भी हेल्पफुल है। अब आपको बताती हूँ किस तरह से इस नारियल के पानी का प्रयोग करना है जो आपकी स्किन के लिए, आपके फेस के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले तो आपको इसके फेस पैक के बारे में बता दूँ। तो चेहरे के लिए फेस पैक आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको 2 चम्मच बेसन लेना होगा। 1 कटोरी में आप 2 चम्मच बेसन लें। इसके साथ ही साथ 1 टीस्पून शहद डालें और उसमें चुटकी भर हल्दी डालें। अब इसमें ज़रूरत के अनुसार नारियल का पानी डाल करके एक पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा करके रखें, 15 से 20 मिनट रखें, फिर सादे पानी से धो लें। ये आपके स्किन में जो खोई हुई रंगत है या फिर स्किन टैनिंग हो चुकी है, वो उसे पूरी तरह से रिमूव करने में हेल्पफुल है। अगर आप चाहें तो इस फेस मास्क को एज ए स्क्रब यूज कर सकते हैं। जैसे आपको फेस पैक की तरह इसे लगाना नहीं है, बल्कि इसे आप अपने फिंगर पे ले और चेहरे पे सर्कुलर मोशन में मसाज करें। इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है 1 मिनट के लिए, फिर आपको सादे पानी से इसे धो लेना होगा। अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे हो चुके हैं, इसके दाग धब्बे स्किन पे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो आप इसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोज़ सुबह नारियल के ताजे पानी से स्किन को धोनी होगी, या फिर उस इफेक्टिव एरिया पे आप नारियल के पानी को लगा सकते हैं। लगातार इस तरह से प्रयोग करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी जो स्किन की जो समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ जो कील मुहासे है, चेहरे पर फंगस हो जाता है और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की समस्या भी जो हो जाती है, साथ ही साथ आपके चेहरे पर जो कील मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, ये इसे भी ठीक करने में हेल्पफुल है। अगर आप रेगुलर इस नारियल के पानी का प्रयोग करते हैं तो इसमें विटामिन सी होने के कारण ये आपकी स्किन को रिपेयर करने का भी काम करती है। तो आप इसे अपनी स्किन ट्रीटमेंट के रूप में ज़रूर लें। अभी महंगे से महंगे प्रोडक्ट दवाई यूज़ किया जाता है चेहरे के लिए और उसके साइड इफ़ेक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलता है। उन दवाइयों का तो साइड इफ़ेक्ट तुरंत नहीं देखने को मिलता है, लेकिन लंबे समय प्रयोग करने से ज़रूर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट फेस पे, स्किन पे देखने को मिलता है। लेकिन ये नेचुरल रेमेडीज़ आप प्रयोग करते हैं, ना ही इसके साइड इफ़ेक्ट है और ना ही आपको इसके किसी भी दुष्प्रभाव बाद में देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।